केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ उत्तर भारत का प्रमुख शहर है। नगर नियोजन का शानदार उदाहरण चंडीगढ़ अपने आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में चंडीगढ़ दूसरे स्थान से फिसलकर 11वें स्थान पर पहुंच गया था। गीला और सूखा कूड़ा अलग इकट्ठा करना, डोर टू डोर गार्बेज सिस्टम और फीडबैक कैटेगरी में भी चंडीगढ़ नगर निगम पिछड़ गया था, परंतु स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाते हुए चंडीगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बन गया। किसी भी शहर को साफ रखना है तो उसमें जो भी आपका सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, दूसरा कि सफाई, सड़कें साफ हो और पानी लोगों को साफ मिले। जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो ये सेग्रीगेशन की बात शुरू हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से ये एक ब्लू और एक ग्रीन कलर का हमें डस्टबिन दिया। चंडीगढ़ की जनता भी जागरूक हो गई थी और हर घर से सेग्रीगेट किया हुआ कूड़ा ही कलेक्ट होने लगा। इसी के साथ साथ चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सभी 28 वार्ड्स में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन शुरू करवाया। चंडीगढ़ में रोजाना 450 टन गार्बेज इकट्ठा हो रहा था जिसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में प्रोसेस किया जाने लगा और इस कूड़े से दो बाय प्रोडक्ट्स कॉम्पोस्ट और RDF बनने लगे। इस प्रोसेस से अब 1% कूड़ा भी बचता नहीं था। सूखे और गीले कूड़े से निपटने के बाद हॉर्टिकल्चर वेस्ट का बड़ा मसला भी चंडीगढ़ के सामने था। इस ग्रीन सिटी में तकरीबन 2,00,000 पेड़ हैं, 19 बड़े बड़े पार्क हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। इन सभी गार्डन से बहुत सारा हॉर्टिकल्चर वेस्ट उत्पन्न होता है। इस हॉर्टिकल्चर वेस्ट से कॉम्पोस्ट बनाया जाने लगा। गार्डन में भी ये कॉम्पोस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह कचरे से निपटने के साथ साथ सफाई कार्य की निगरानी करना आवश्यक था और चंडीगढ़ को तीसरे नंबर पर लाने के लिए इस कमांड कक्ष ने अहम भूमिका निभाई। यहीं से पूरे शहर को साफ सुथरा रखने की कार्यवाही पर दिन रात नजर रखी जाती है। GPS के जरिए सभी व्हीकल्स के रूट और स्पीड चेक होते हैं। एक और चेकिंग होने लगी खुले में शौच रोकने के लिए। तकरीबन 84,000 टॉयलेट्स बनाकर खुले में शौच से मुक्त सिटी का खिताब भी चंडीगढ़ ने पा लिया। खुले में शौच इसलिए जाते थे, यहाँ टॉयलेट तो थे लेकिन टूटे फूटे टॉयलेट थे। नगर निगम ने दोबारा टॉयलेट बनाए हुए हैं तो अब साफ सफाई होती है, बढ़िया टॉयलेट हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए पब्लिक टॉयलेट्स की सुविधा बढ़ा दी गई है। साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट्स के साथ साथ चंडीगढ़ पालिका ने स्वच्छता की ओर एक नया कदम बढ़ाया। चंडीगढ़ में सीवेज सिस्टम पूरी तरह से अंडरग्राउंड है और ये ग्रिड बेस्ड है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में रोजाना 20 मिलियन गैलन सीवेज को ट्रीट करके शहर में वापस भेजा जाता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 2018 में स्वच्छता रैंकिंग बेहतर करने पर पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया था। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए अनेक अभियान भी चलाए। लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्वच्छता ऐप ने बड़ा काम किया। स्वच्छता ऐप के जरिए लोग गंदगी की फोटो डालकर अपनी शिकायतें दर्ज करवाने लगे। स्वच्छता ऐप की मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष स्वच्छ भारत मिशन सेल बनाया गया। इस ऐप से मिली शिकायत को जल्द से जल्द सॉल्व करने का काम ये सेल करता है। सिर्फ 24 घंटे में शिकायतें दूर होती देखकर जनता का भरोसा बढ़ने लगा। साथ में जनता अपनी भी जिम्मेवारियां समझने लगी। चंडीगढ़ में 37,656 लोगों ने स्वच्छता ऐप डाउनलोड किया है। लोग पहले चंडीगढ़ सिटी को क्लीन नहीं रखते थे। आज की तारीख में नो डाउट सफाई बहुत अच्छी हो रही है, लोग अवेयर भी हो रहे हैं। डस्टबिन हर 50 मीटर पे आपको डस्टबिन मिल जाता है। पहले की पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह नहीं थे इतने, बट हमारी गवर्नमेंट ने काफी पब्लिक टॉयलेट्स ओपन करे हैं। 2014 से पहले मतलब ये अवेयरनेस थी नहीं। जब तक लोग ना समझते और सोच ना बदलती तब तक हालात ना बदलते, इसलिए सोच बदलो हालात बदलो इस नारे को लेकर चंडीगढ़ आगे चला। 11वें स्थान से तीसरा नंबर हासिल करने वाले चंडीगढ़ के जज्बे को हम सराहते हैं।